22 जनवरी 2024 का दिन इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। यह भारत के लिए वर्ष की सबसे बड़ी और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में से एक होगी। इस दिन अयोध्या राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। 500 से अधिक सालों के बाद रामलला मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। हर तरफ जय श्री राम की गूंज है। इन्हीं सबके बीच ये गाना इस माहौल में चार चांद लगा रहा है। हर दूसरे शख्स की प्लेलिस्ट में आपको ये गाना मिल जाएगा। साथ ही इस गाने की पॉपुलैरिटी के साथ बिहार की बेटी स्वाति मिश्रा की लोकप्रियता भी खूब बढ़ रही है। इस मंदिर को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। राम मंदिर को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों एक गाना खूब वायरल हो रहा है, जिसके बोल हैं, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, जिसे बिहार के छपरा की रहने वाली स्वाति मिश्रा ने गाया है। इस गाने के पीएम मोदी भी फैन हो गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, श्री राम लला के स्वागत में स्वाति मिश्रा जी का भक्ति से भरा यह भजन मंत्रमुग्ध करने वाला है। दरअसल यह मंत्रमुग्ध कर देने वाला भजन इन दिनों खूब वायरल हो रहा है और लोग रील्स बना रहे हैं। इसका YouTube लिंक शेयर करते हुए पीएम मोदी ने स्वाति मिश्रा की तारीफ की है। इस गाने को अब तक 42 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। गाने को स्वाति मिश्रा के यूट्यूब चैनल से लॉन्च किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के पहले भी स्वाति मिश्रा के इस भजन को कई लोग शेयर कर चुके हैं। इसके पहले केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा सहित कई लोगों ने इस गाने की थीम पर बने वीडियो को फेसबुक पर शेयर किया है। सिंगर स्वाति मिश्रा बिहार के छपरा सदर प्रखंड के माला गांव की रहने वाली हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वे फिलहाल छपरा में नहीं हैं और मुंबई में रह रही हैं। बता दें कि मिश्रा पहले भी कई और गाने व भजन गा चुकी हैं। उनकी आवाज लोगों को खूब पसंद आ रही है। सोशल मीडिया पर भी वो धीरे धीरे पॉपुलर हो रही हैं। इंस्टाग्राम पर भी उनकी ठीक ठाक फैन फॉलोइंग है। यहाँ पर उनके 742,000 फॉलोअर्स हैं।